जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रजयात्रा 2014 का आज 13वां पड़ाव है। दशमी तिथि शनिवार को जटवारी गांव में पड़ाव पड़ा हुआ है। आज पंद्रह बीस मिनट की देर हो गई क्योंकि ये संत सुखदेव जी महाराज हमारे साथी थे। बासठ साल पहले हमारा इनका वृंदावन में परिचय हुआ था। जब इनके गुरुदेव त्यागी जी महाराज थे, बड़े विद्वान थे और वहां हमने सुना कि सुखदेव बाबा आए हैं ग्वालियर से संगीत शिक्षा पूरी करके। उसके बाद भी कई बार बरसाने में इनके दर्शन भए। सुनते थे कि वे हमारी यात्रा में आने वाले हैं, कई बार हमने सुना। वे तो नहीं आ पाए यात्रा में, लेकिन उनका जो परिकर है वो आ गया, वो अपने गुरुदेव का संकल्प पूरा कर रहा है। ये लोग आए तो हम तो यही समझ रहे वही आ गए, चित्रपट के रूप में विराज रहे हैं। संतों की क्या प्रशंसा की जाए, इनकी प्रशंसा तो भगवान राम भी नहीं कर पाए। सुन मुनि संतन के गुण कहाऊं, जिनके बस अधीन मैं रहा हूं। भगवान ने स्वयं कहा है, एक ही कांड में दो बार कहा है, सुन उन संतन के जिन जीव गुण के जेते गन न सकई शारद श्रुति सेते। इनके गुणों की महिमा ऋचाएं वेद की भी नहीं कह सकती हैं, स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं, तो और कोई क्या कहेगा। उसके बाद हम सुनते रहे कि इनका जयपुर में आश्रम श्वेत द्वीप बना, फिर वहां से अलग कोई बना। विरक्त संत थे, अज्ञातवास में चले जाते थे। कई कई महीने लोगों को पता नहीं रहता था कहाँ चले गए। ये सब उनके अलौकिक चरित्र हैं। और आज वे चित्र रूप से हमारे बीच में विराजमान हैं।
तो हम तो यही समझ रहे हैं कि वो यहां आ गए। उनका संकल्प था हम किसी दिन यात्रा में आएंगे, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ सत्संग में। आज आप लोग अपनी यात्रा कोसी से चले, रास्ते में फारेन गांव पड़ा, उसके पहले पैगाम भी आज ही पड़ा है। क्यों भाई? अच्छा हाँ, क्योंकि मैं यात्रा से अलग चल रहा हूं, हमें पता नहीं रहता। ये हमारे पाप हैं जो बीमारी बनकर आए हैं, और हम यात्रा में साथ साथ चलते थे, अब गाड़ी पर बैठ के चलते हैं। जीव के पाप होते हैं और ये पाप ही उसको रोकते हैं। इसमें कोई विकल्प की बात नहीं है, ये पाप ही रोग बनता है, पाप ही शोक बनता है, पाप ही दुख बनता है। हर जीव के बारे में यही सोच बातें हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाऊ नकाऊ। जो पे दुष्ट हृदय होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। जीव को पाप ही रोकता है भगवान के सन्मुख जानने में, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो मैं तो यही समझ रहा हूं कि हमारे पाप हैं जो हमको रोक रहे हैं, और आप लोग धन्य हैं जो चल रहे हैं यात्रा में, पद यात्रा में। शौनक जी ने कहा, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेरयौ। जो पांव भगवान के क्षेत्र में धाम में नहीं चलते हैं, वो पांव नहीं है, जड़ हैं। जैसे पेड़ है जड़ है, वो चलता नहीं है, वैसे जो मनुष्य परिक्रमा नहीं करता है, भगवान के संकीर्तन में नृत्य नहीं करता है, वो जड़ है और जड़ योनि में ही जाएगा। भगवान के धाम की परिक्रमा अनंत पापों को नष्ट करती है। ब्रह्मा जी ने भी परिक्रमा किया, जो पाप था उनका, बाल बारों के बछड़ों की चोरी का, तो त्रिपरिक्रम में तीन परिक्रमा लगाई उन्होंने ब्रज की, भागवत में है। तब जाकर के वो पाप नष्ट हुआ। इसीलिए प्रदक्षिणा परिक्रमा की जाती है, अनंत पापों को नष्ट कर देती है। और
तो फॉरेन गांव में जब आप आए, वहां पर भगवान ने प्रहलाद जी की लीला ब्रजवासियों को दिखाई है। ब्रजवासी जो कहते थे वही प्रभु उनको दिखाते थे। काम वन में आप जाएंगे तो आपको रामलीला प्रभु ने दिखाई है, रामेश्वर दिखाया, लंका दिखाया, ब्रज में ही बद्रीनाथ केदारनाथ सब दिखाए। और अभी आप नंदन वन देख के आए, स्वर्ग है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम स्वर्ग देखेंगे। यहां आए फॉरेन में तो ब्रजवासियों ने पूछा कि कान्हा हमने सुना है कि कोई नरसिंह भगवान भय हैं और प्रहलाद जी को उन्होंने दर्शन दिया और उनके कारण से हिरण्यकश्यप को मारा, ये क्या सही है? श्याम सुंदर हंस गए, जान गए कि ये देखना चाहते हैं। तो उन्होंने सारी लीला दिखाई और उसी का अनुकरण अब भी चल रहा है। फॉरेन में पूर्णमासी के दिन आग में से पंडा निकलता है, जलती आग में, और साफ निकल के जाता है। वैसी लीला हमने सुना है यहां भी होती है, यहां का तो हमने देखा नहीं है, सुना है। फॉरेन में तो हमने जाके दर्शन किया है और वहां बड़ी भीड़ हो जाती उस दिन पूर्णमासी के दिन। प्रहलाद जी की लीला सभी जानते हैं, उनकी भक्ति अनंत है। प्रहलाद जी ऐसे भक्त हुए हैं जिनसे नरसिंह भगवान ने क्षमा मांगा है। हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोगों पर अत्याचार किया, सब देवता भाग गए थे ब्रह्मलोक डर के कारण से, और भगवान से प्रार्थना किया, आकाशवाणी भई, धर्मे मई च विद्वेषः स आशु विनश्यति। हे देवो, जब ये मुझसे और धर्म से द्वेष करेगा तब ये नष्ट हो जाएगा। और प्रहलादा यदा दुर्येत हनिष्येपि वरोर्जितम्, जब प्रहलाद से द्वेष करेगा तो चाहे जितना भी वरदान इसने प्राप्त कर लिया है इसको मैं मार डालूंगा। वही हुआ।
अत्याचार करता रहा जब तक भगवान नहीं आए। बड़े बड़े अत्याचार किए जिसकी गणना नहीं हो सकती है। लेकिन जिस समय वो प्रहलाद को मारने दौड़ा है उस समय भगवान सह नहीं पाए। उसी समय प्रकट हो गए। प्रहलाद से उसने कहा था हे मंद भागे अभागे, मदन्य जगदीश्वर, मेरे अलावा किसी को भगवान तो मानता है। तू अभागा है, क्वासौ, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र सर्वत्र है। बोले क्या इस खंभे में है जिसमें बांधा गया है तू? बोले हां। उसने क्रोध में खंभे पर गदा मारी और खंभा टूटा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और उन्होंने उसको पकड़ लिया जैसे सर्प चूहे को पकड़ता है। और पकड़ करके अपनी जांघों पर पटक लिया। और जांघों पर पटक करके पूछा कि देख तुझको वरदान मिला है, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, साल के 13-12 महीने में भी नहीं मरूं। देख ये 13वां महीना है, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, स्पेशली बनाया गया। देख न दिन है न रात है, संध्या को धूल है। देख न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, मैं नर सिंह हूं। यहां से ऊपर से सिंह हूं, नीचे से नर हूं। देख ये मेरे नाखून है, ये अस्त्र नहीं है शस्त्र नहीं है, कह करके उन्होंने उसके उदर को चीर दिया और उसका प्राणांत हो गया। प्रहलाद जी ने स्तुति किया है, सभी वैष्णव आचार्यों ने उस स्तुति को बड़ा सम्मान दिया है। वो कहते हैं मन्ये धनाभिजन रूप तपा श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ही परस्य भवन्ति पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। धन धन से भगवान वश में नहीं आते। अभिजन अच्छे वंश में उत्पन्न हो गए उससे भी नहीं कुछ काम चलेगा। रूप रूप के भी भगवान वश में नहीं आते।
तेज ओज सह बल शरीर की शक्ति इंद्रिय शक्ति तपस्या आदि जितने हैं ये सब भगवान की आराधना में नहीं आए हैं। भगवान केवल भक्ति चाहिए, पैसा नहीं है मत हो, केवल भाव चाहिए। नरसिंह भगवान की स्तुति किया उन्होंने और यह भी कहा बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, बच्चे की शरण मां बाप होती है, बोले गलत है। नार्तस्य जागदम, बीमार का उपाय औषधि, बोले नहीं। उदनवति मज्जतो नौ, समुद्र में डूबने वाले के लिए जहाज या नाव है शरण, बोले नहीं। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर यहां जसेष्टस, जितने भी उपाय हैं संसारी तापों से बचने के वो सब झूठ हैं। भगवान की जो शरण में गया है केवल शरण ही एक उपाय है और सब उपाय गलत हैं। हम लोग धन इकट्ठा करते हैं क्योंकि अंधकार में हैं। साधु या आश्रम भगवान के भक्त बन करके धन को इकट्ठा करते हैं, ये अंधकार है। भूल जाते हैं ये धन भक्ति का बाधक है। जो जहर है उसको इकट्ठा करते हैं हम लोग, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब भक्ति के बाधक हैं। सब तज करो भजन रघुराई, ये सब राम भजन के बाधक, काहे संत तव पदावराधक। भक्त कभी भी धन को इकट्ठा नहीं करेगा, सच्चा साधु कभी भी धन को इकट्ठा नहीं करेगा। विष है, विष को इकट्ठा करने वाला भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। क्या दिव्य बातें हैं प्रहलाद जी की। इसीलिए भगवान उनके वश में हो गए और आखिर में बोले भगवान क्वेदम वपुः, अरे कहां तो छोटा सा बच्चा, कितना छोटा सा शरीर है। क्वच कुमार वयस्य, छोटी तेरी अवस्था, कुमार अवस्था 5 साल की। क्वैता प्रबत्त कृत दारुण यातनाश्च, कैसी कैसी यातनाएं तुझको दी गई, दारुण यातनाएं, अस्त्र शस्त्र विष काल कोठरी अजगर, आग में जलाना, समुद्र में डुबाना, पहाड़ों से दबाना। आलोकितम एत विषम एतद अद्भुत अभूतपूर्वम, ऐसा आज तक सृष्टि में कभी नहीं हुआ। क्षंतव्य यदि मे समये विलंबः, प्रहलाद तू हमको क्षमा कर दे, हमको आने में विलंब हुआ। ऐसा कौन भक्त है। भगवान ने क्षमा मांगा। यातना ऐसी दी गई, एक दो और सुना देते हैं। इसलिए सुना रहे हैं कि हम लोग थोड़े में घबरा जाते हैं, धैर्य खो देते हैं।
प्रहलाद जी को मारने के लिए दिग्गज बुलाए गए। दिग्गज कहते हैं उन हाथियों को जिन्होंने दिशाओं को पकड़ रखा है। ये हाथी तो छोटा सा होता है जो हम देखते हैं, ऐसे ऐसे हाथी हैं जिन्होंने दिशाओं को पकड़ रखा है। पहाड़ भी छोटी चीज है और दिग्गजों को कहा हिरण्यकश्यपु ने इस बच्चे को मार डालो। उन्होंने अपने दांत पर उसको प्रहलाद को रखा, जैसे एक सरसों और दांतों से प्रहार किया, जैसे उन्होंने प्रहार किया वैसे उनके दांत जो पहाड़ों से भी ज्यादा बड़े मोटे पुष्ट थे वो सब दांत चूर चूर पाउडर हो गए। दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुरा, वो दांत कुलश कहते हैं इंद्र का वज्र, उससे भी ज्यादा कठोर थे। वे सब चूर होकर के बिखर गए आकाश में पाउडर की तरह, सफेद धूल छा गई। दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुरा, शीर्णा चूर हो गए। यदैतेन बलम अमैतत, प्रहलाद जी बोले इसमें कोई मेरी तारीफ या मेरा बल नहीं है भाई, मेरा कुछ भी इसमें बल नहीं है, मैं तो खाली बैठा रहा, बैठा बैठा कीर्तन करता रहा। बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनार अनुस्मरणानुभव, केवल भगवान का स्मरण करता रहा, स्मरण करने से ही सब चमत्कार हुआ। इसने भाई चक्रवर्ती राजा लोग राजपाट छोड़कर के भगवान का स्मरण करते हैं। स्मरण करना सीखो, अनंत विपत्तियां चली जाएंगी, भवसागर पार हो जाओगे, बिना परिश्रम के पार हो जाओगे। जब उनको आग में जलाया गया था तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी आग है, मेरी आज्ञा से आंधियां चली हैं और कोई भी लपट इसको छू नहीं रही है। तो उसने उस अग्नि कुंड में बैठे हुए प्रहलाद जी से पूछा है कि प्रहलाद तू जल नहीं रहा है, तेरी बुआ जल गई, होलिका जो गोद में लेके बैठी थी जिसके पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कपड़ा था, उस वस्त्र को ओढ़ने से आग नहीं छू सकती है। और आंधियां ऐसी चली कि कपड़ा उड़ गया बुआ जी के शरीर से और भुआ जी जलने लग गई। बचाओ बचाओ हिरण्यकश्यपु मचा। हिरण्यकश्यपु ने देखा, अरे ये मेरी बहन जल रही है और मैं बचा नहीं सकता इसको।
कोई शक्ति नहीं हिरण्यकश्यपु की किस आग में घुसे। जिसने तीनों लोक जीता और वो उसकी हिम्मत नहीं कि उस आग में घुसे, उस आग के बीच में एक लड़का बैठा कीर्तन कर रहा है। आग ऐसी थी कि ब्रह्मांड को जला दे, साधारण आग नहीं थी, क्योंकि अस्त्र शस्त्र की अग्नियां भी प्रहलाद को छू नहीं पाई थी। तो उसने पूछा, प्रहलाद आवाज दिया कि मैं तो बचा नहीं सकता, देखो इस लड़के में कोई जादू होगा, ये बचा सकता है क्या? जलती हुई आग में से प्रहलाद बोले, क्या है पिताजी? तो बोलते हैं, ये आग तुझको क्या जला नहीं रही है? ये विष्णु पुराण का हम श्लोक बता रहे हैं आपको। तात एष वहिनी, पवने रितोपी, ये जो आग है जिसको आंधी बढ़ा रही है, हिरण्यकश्यपु ने आज्ञा दिया था आंधी को, वायु को, कि तुम जल्दी से बहो, उड़ो और आग में इसको लपेट दो, प्रहलाद को जल जाए। तो वायु चली, क्योंकि वायु देवता उसके अधीन थे, लेकिन वायु तो भगवान की शक्ति है। वायु ने उसकी बुआ के कपड़े को उड़ा दिया, उल्टा काम किया। जब बुआ जलने लग गई और प्रहलाद को आग छू नहीं रही, तो प्रहलाद बोलते हैं, तात एष वहिनी पवने रितोपी, आग जो हवा से बढ़ रही है, नमाम दहत्यत्र समन्ततो हम, मुझको नहीं जला रही है, नहीं जला रही है। तो तू क्या देखता है प्रहलाद? उस आग के घेरे में बैठे बैठे बोले प्रहलाद, पश्यामि पद्मास्तरणास्थितानि शीतानि सर्वाणि दिशां समन्ततोऽहम्। मैं तो ये देख रहा हूं पिताजी कि मेरे चारों ओर पद्म कहते कमल, कमल का बिछैया मेरे नीचे पड़ा हुआ है और वो बड़ा ठंडा है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको तो आग दिखाई पड़ रही है। भगवान के स्मरण का प्रभाव है, आग की लपटें कमल की शैया बन गई। पश्यामि पद्मास्तरणास्थितानि शीतानि, बड़ी ठंडी है, सर्वाणि दिशां मुखानि, दस दिशाएं होती हैं, चार तो सब जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशाओं के कोने, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, चार चार आठ, और एक ऊपर एक नीचे, दस दिशाएं हैं। दसों दिशाओं में मेरी चारों ओर कमल हैं, आग कहां से घुसेगी?
पश्यामि पद्मास्तरणास्थितानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। प्रहलाद वहां केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आग बदल गई, आग की जगह कमल के फूलों का शैया बन गई, क्योंकि ये भगवान के स्मरण का प्रभाव है। देखो भाई, इन चरित्रों को सुनकर के तुम लोग घर छोड़ के आए हो, कहां बंगाल, कहां गुजरात, कहां आसाम, दूर दूर से आए हो, और ब्रजभूमि में कम से कम 40 दिन नहीं स्मरण कर सकते तो कीर्तन सुनो। कीर्तन नहीं कर सकते तो कीर्तन सुना करो, बातें नहीं करो। ये माइक इसीलिए लगाए गए हैं कि उठते बैठते भगवान का नाम सुनाई पड़े, नहाते धोते, शौच करते, भोजन करते, रास्ते चलते, ये सारी व्यवस्था बड़ी कठिन है। रास्ते चलते तार बार नहीं रखते, बिजली के वायरलेस सिस्टम किया गया, गवर्नमेंट की ओर से इजाजत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग ये सब इंतजाम करते हैं। हम तो नहीं करते, ठाकुर जी करता है। पकड़े जाएंगे तो कोई बात नहीं, जेल भी भगवान का एक जन्मभूमि है, इसलिए सब नियम तोड़ करके किया जाता है, किसी तरह से यात्री हरि नाम से जुड़ा रहे। तो ये प्रहलाद जी का चरित्र थोड़ा सबने सुनाया। और जिसको ये चमत्कार देखना हो, पूर्णमासी को दिन आ जाना, फागुन की पूर्णिमा को देखना पंडा आग में से निकलता है। उसके बाद आप लोग चले पैगाम आए, पैगाम की लीला यह है के पाय माने दूध, यहां की लीला यह है कि श्याम सुंदर ने दूध पिया है, यह नागा जी का गांव है। नागा जी महाराज बड़े प्रतापी महापुरुष हुए हैं, एक दिन में 84 कोस की परिक्रमा करते थे। हम लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हमारे तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। आवेश से शक्ति आती है,
जैसे चैतन्य महाप्रभु जी जब कीर्तन करते थे तो आंखों से पिचकारी की तरह जैसे पानी निकलता है, उनके हाथ पांव बढ़ जाते थे, लंबे हो जाते थे, चटक पर्वत को उन्होंने गिरिराज जी समझा और समुद्र में जाकर के गिर पड़े, कूद पड़े, समुद्र में बहते रहे, ये आवेश था। आवेश वाले को समुद्र भी नहीं डुबा सका। आविष्ट माने भगवान आ जाते हैं उसको आवेश कहते हैं। हनुमान जी को जो समुद्र पार किया आवेश में पार किया था। समुद्र किनारे गए, संत पार्वती ने कहा मैं यहां से देख रहा हूं सीता जी वहां लंका में बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, यदि तुम में किसी में शक्ति है तो जा, चला जा लंका और माता से बात कर ले। चार सौ कोस लंबा समुद्र कौन पार करेगा, सौ योजन माने 400 कोस। कोई बोला मैं 10 कोस जा सकता हूं, कोई 5 कोस, कोई 20 कोस। हनुमान जी चुप बैठे थे। जामवंत जी ने सोचा इसको, इस काम को तो आवेश वाला ही करेगा भाई, आवेश से ऐसी शक्ति आ जाती है। जब जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते रुक जाते थे तो हाथी लगा दो कुछ नहीं होता था, एक महाप्रभु जी धक्का देते थे चलने लग जाता था। तो हनुमान जी से जामवंत जी बोले कस चुकुप साध रहो बलवाना, पवन पुत्र पवन समाना। अरे हनुमान जी तुम चुप क्यों बैठे हो, तो सुनते मान हनुमान जी को आवेश आया, खड़े भए और बोले कहो तो भी लंका को उखाड़ करके यहां पटक दूं। सारी लंका उखाड़ के पटक दूंगा, कहो तो रावण को मसल दूं। तो जामवंत जी बोले नहीं, प्रभु की आज्ञा है, केवल तुम जाओ समाचार ले आओ। तो आवेश आया उनको, आवेश से उन्होंने एक पर्वत पर पांव रखा, उसके वेग से वो पाताल चला गया, एक सारा पर्वत पाताल में पहुंच गया। ये शक्ति क्या है, आवेश की शक्ति है। आवेश की शक्ति महापुरुषों में आती है, हम लोगों में नहीं। हमारे में तो भोगावेश है, विषयावेश है, दो आवेश होते हैं, विषयावेश यानी भोगावेश या कृष्णावेश। भोगाविष्ट चित्तानाम कृष्णावेश सुदुर्लभ है। जब तक भोगावेश है कृष्णावेश नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चाहे साधु बन जाओ चाहे संत बन जाओ। और कृष्णावेष्ट चित्तानाम भोगावेश असंभव, जब कृष्ण आ गए तो उसमें भोग नहीं होता है,
जो मनुष्य कहता है कि नहीं, हम सब कुछ भोगते हुए भी हम तो भगवत भक्त हैं, वो झूठ बोलता है। भागवत नहीं मानती है नकाम कर्म बीजानाम। तीन चीजें हैं, काम और कर्म और बीज। एकादश कंस्त में ये बात कही गई है, नकाम कर्म बीजानाम। भगवान के भक्त के मन में इच्छा और कर्म माने भोग संबंधी कर्म, और बीज माने उसकी वासना, ये तीनों नहीं होती हैं, उसको भक्त कहते हैं। हम लोग धन संग्रह करते हैं, भक्त नहीं है। करते हैं और करवाते हैं, आश्रम कैसे चलेगा? चंदा लाओ, डोनेशन लाओ, ये सब चीजें कृष्णावेश को हटा देती हैं। याद रखो, ये तीन चीजें जहां हैं वहां भगवान नहीं है, कृष्णावेश नहीं है। नकाम कर्म बीजानाम, तीनों का प्रवेश नहीं है। नयस्य स्वः परवित्तेष्वात्मनि वाभिधा सर्वभूत समा शांतः सवै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत वही है, बाकी जो हम लोग गड़बड़ करते हैं, पैसा के लिए हजार प्रमाण देते हैं संग्रह के लिए, वो सब गलत है। वहां कृष्णावेश नहीं है, न है न होगा। ठोस भक्त बनो। नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः। वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तमः। ये तीन चीजें जहां नहीं है वहां वासुदेव कृष्ण हैं। श्लोक समझो भागवत का, नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तमः। धोखा नहीं है भाई यहां, ये तीनों का जहां प्रवेश नहीं है। नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः, उसका मन वासुदेव भगवान कृष्ण का घर है, वही सच्चा भक्त है। सवै भागवतोत्तमः, तो कृष्णावेश में संभव है। नागा जी एक दिन में परिक्रमा करते थे, ये उनका गांव था जो पै गांव, जहां आप लोग गए हैं आज। उस गांव का नाम पै गांव क्यों पड़ा, आपको एक पद सुना दें। श्री ठाकुर जी बैठे हैं, राधा रानी भी पास में बैठी हैं।
ललिता जी लाई दूध का कटोरा, बड़ी चतुर हैं, श्याम सुंदर के हाथ में नहीं दिया। वो जानते हैं कि श्याम सुंदर के हाथ में देंगे तो पहले राधा रानी को ही पवाएंगी। तो उन्होंने पहले श्याम को ही दिया दूध। हंस हंस दूध पीवत नाथ, हंस हंस दूध पीवत नाथ, दूध पीवत नाथ हंस हंस, दूध पीवत नाथ हंस हंस, हंस हंस दूध पीवत नाथ, हंस हंस दूध पीवत मधुर कोमल बचन कही कही, मधुर कोमल बचन कही कही, प्राण प्यारी साथ साथ, प्राण प्यारी साथ साथ, हंस हंस दूध पीवत नाथ, हंस हंस दूध। कनक कटोरा भर्यो अमृत, कनक कटोरा भर्यो अमृत, कनक कटोरा भर्यो अमृत, कनक कटोरा भर्यो अमृत, दियो ललिता हाथ हाथ, दियो ललिता हाथ हाथ, ललिता जी ने श्याम सुंदर को दिया सोने के कटोरे में दूध। श्याम सुंदर ने सबसे पहले राधा रानी को ओठों में लगा दिया कटोरा। लाडली अचवाए पहले, लाडली अचवाए पहले, लाडली अचवाए पहले, लाडली अचवाए पहले, पाछे आप अघात घात, पाछे आप अघात घात, हंस हंस दूध पीवत नाथ, हंस हंस दूध पीवत नाथ, श्याम सुंदर का मन दूध में नहीं है, राधा रानी में है। चिंता मणि चित बस्यो सजनी, चिंता मणि चित बस्यो
बस्यो सजनी चिंतामणि चित बस्यो सजनी चिंतामणि चित बस्यो सजनी निरखी पिया मुस्कात श्यामा श्याम की युगल छवि पे श्यामा श्याम की युगल छवि पे रसिक बलि बलि जा रसिक बलि बलि जा हस हस दूध पीवत नाथ हस हस दूध पीवत नाथ। देखो ये तो पैगाम की छोटी सी लीला सुनाई हमने, यहां भी पंडा जलती हुई आग में निकलता है, जैसे फारन में निकलता है वैसे यहां भी निकलता है। यहां भी प्रहलाद कुंड है और प्रहलाद मंदिर है जो बड़ा प्राचीन है, और यहां जटवारी नाम क्यों पड़ा? इसका एक कारण है, परमानंदा जी ने लिखा है यहां जुट बनाया चोरों का, जैसे एक संगठन होता है, संगठन से चोरी होती है, सफल चोरी जब कई मिलकर करते हैं तब सफलता मिलती है। स्वामी परमानंद जी ने लिखा है संग लड़िकवन कर जोटी, लड़िकवन मने बच्चों ने जोट बनाया यहां, इसलिए जटवारी नाम पड़ा। खेलत फिरत गोपाल घोष में, श्याम सुंदर घोष में खिरक में खेल रहे हैं, धावत शिशु अंग छोटी, ग्वाल बाल सब छोटे छोटे से, खोर खोर प्रति भवन भवन प्रति। देखो जब चोर जाते हैं तो घुसते हैं गांव में तो देखते हैं किस घर में माल ज्यादा है, पता लगा लेते हैं। चोर लोग भी अंतर्यामी होते हैं, जिस जगह माल होता है वहीं छापा मारते हैं। वैसे लिख रहे हैं कि बच्चे खोर खोर प्रति भवन भवन प्रति, हर गली में जा रहे हैं, हर भवन को देख रहे हैं, सैन दय दय बतावें, इशारा में बताते हैं कि कन्या इस घर में माल ज्यादा है, जाके घर गोरस बहुतेरो, जिसके घर में बहुत ज्यादा दूध दही माखन है, अंगूरिन कह कह दिखावे, अंगूरी से दिखाते हैं देखो यहां चलेंगे। ये कुमार लीला हरि केरी, गोपिन गोपी जन मन भावे, चोरी करत हरत दधि माखन कछु परमानंद पावे। यहां जोट बनाया सबने चोरी की, मीटिंग किया और विचार करके चले जिस घर में जाना है माल ज्यादा है, तो इसलिए इसको जटवारी कहते हैं। पैगाम फारेन और जटवारी, इनकी आपको लीला हमने सुनाई,
कल आप लोग बिहार बन पहुंच जाओगे। शेरगढ़ परिक्रमा में ऐचे दाऊ जी मिलेंगे, जहां दाऊ जी ने जमुना जी को खींचा है, और बिहार वन वहां पड़ा होगा, बिहार वन की लीला वही सुनाएंगे। जय श्री राधे। हम सब